हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने झारखंड राज्य के बेस्ट फुटबॉलर्स की बात की थी और आज की वीडियो में हम पंजाब राज्य के बेस्ट फुटबॉलर्स की बात करेंगे जिनका अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और ये प्लेयर्स अपनी इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। सबसे पहले नाम निकल के आता है गुरप्रीत सिंह संधु। ये 30 साल के प्लेयर है और इनका जन्म मोहाली में हुआ था और अभी ये अपनी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के साथ एज अ गोलकीपर खेलते हैं। जब ये 9 साल के थे तब से ही इन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। इनका यूथ करियर स्टार्ट हुआ था 2000 में, तब ये स्टेफन्स स्कूल चंडीगढ़ से खेलते थे। 2000 से 2009 तक स्कूल टूर्नामेंट्स में ये खेलते थे। इसके बाद इन्होंने 2009 में ईस्ट बंगाल क्लब को ज्वाइन किया। सीजन एंड होने तक इन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए 5 मैचेस खेले थे। फिर 2010-2011 के सीज़न के लिए इन्होंने इंडियन एरोस को ज्वाइन किया था और 2010 में ही इनका इंडियन अंडर 19 फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था और इनकी फुटबॉल जर्नी को तब से बहुत अच्छा पिक मिला। 2012 में इंडियन अंडर 23 फुटबॉल टीम के साथ भी ये खेले। फिर 2011 को इंडियन नेशनल टीम स्क्वाड को भी ज्वाइन किया। 2014 से 2017 तक ये प्लेयर नॉर्वे के स्टारबेक फुटबॉल क्लब से खेले और यूरोपा लीग में खेलने वाले फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर बने। 2017 को इन्होंने बेंगलुरु एफसी को ज्वाइन किया था और अभी तक ये बेंगलुरु एफसी के साथ जुड़े हुए हैं और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था और इंडियन सुपर लीग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 2 गोल्डन ग्लव्स इनके नाम पे है। हरमनजोत सिंह खाबरा ये 34 साल के प्लेयर हैं और इनका जन्म कहरपुर पंजाब में हुआ था और अपनी इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए ये खेलते हैं और बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर हैं। ये प्लेयर एज अ विंगर, सेंटर बैक, मिडफील्डर, विंग बैक पोजीशन, ऐसे मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते हैं। अभी ये केरला ब्लास्टर के लिए एज अ सेंटर बैक पोजीशन पे खेलते हैं। इनका यूथ करियर टाटा फुटबॉल एकेडमी के साथ स्टार्ट हुआ था और सीनियर करियर इनका 2006 में स्टार्ट हुआ था स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा के साथ। 2006 से 2009 तक ये प्लेयर स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा के साथ जुड़े थे। फिर 2009 से 2016 तक ये प्लेयर ईस्ट बंगाल के साथ खेले। आईएसएल में ये प्लेयर चेन्नई एफसी, बेंगलुरु एफसी जैसे टॉप क्लब के साथ भी खेले हुए हैं और अभी ये प्लेयर केरला ब्लास्टर्स के लिए खेलते हैं। 2002 में इंडियन अंडर 16 नेशनल टीम में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और अपनी इंडियन नेशनल टीम के लिए भी ये खेलते हैं। मनवीर सिंह ये 26 साल के प्लेयर हैं और इनका जन्म धूरी पंजाब में हुआ था। ये अपनी इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और अभी ये एटीके बोहन बगान के लिए एज अ फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव गेम दिखा रहे हैं इस आईएसएल सीज़न में। इनका यूथ करियर स्टार्ट हुआ था 2015 में जब इन्होंने मिनेरवा पंजाब को ज्वाइन किया था। इनका सीनियर करियर स्टार्ट हुआ था मोहम्मेडन क्लब के साथ। 2017 में ये प्लेयर साउथन सेमती क्लब के लिए भी खेले हैं। 2017 से लेकर 2020 तक ये प्लेयर एफसी गोवा के लिए खेले थे। एफसी गोवा के साथ खेलते हुए इन्होंने 4 गोल और 1 असिस्ट किया था और इस सीज़न एटीके मोहन बगान के लिए खेल रहे हैं। 2017 में अपनी इंडियन अंडर 23 फुटबॉल नेशनल टीम के लिए ये खेले हैं और 2017 में ही अपनी इंडियन नेशनल टीम को ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल टीम के साथ खेलते हुए इन्होंने 6 गोल और 2 असिस्ट किए हैं। अमरिंदर सिंह ये प्लेयर 29 साल के हैं और इनका जन्म महिलापुर पंजाब में हुआ था। अपनी इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए एज अ गोलकीपर खेलते हैं और अभी ये आईएसएल में उड़ीसा एफसी के लिए गोलकीपिंग कर रहे हैं। इनका यूथ करियर स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स विंग एकेडमी के साथ। इनका सीनियर करियर 2011 में स्टार्ट हुआ था पूना एफसी के साथ। 2011 से 2015 तक ये पूना एफसी के साथ खेलते थे।
फिर 2015 में इन्होंने एटलेटिको दे कोलकाता को ज्वाइन किया। आईएसएल में ये प्लेयर बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी एफसी, एटीके मोहन बगान जैसे टॉप क्लब के साथ खेले हुए हैं और इस सीज़न ये उड़ीसा एफसी के साथ खेल रहे हैं। 2014 में अपनी इंडियन अंडर 23 फुटबॉल टीम के लिए खेले हैं और 2017 में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए चांस मिला था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अनवर अली, ये प्लेयर 22 साल के हैं और इनका जन्म आदमपुर पंजाब में हुआ था और ये प्लेयर अपनी इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलते हैं एज ए डिफेंडर और इस आईएसएल सीजन में एफसी गोवा के लिए खेल रहे हैं। इनका यूथ करियर 2015 में स्टार्ट हुआ था मिनेरवा पंजाब के साथ और इनका सीनियर करियर भी 2017 में मिनेरवा पंजाब के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर 2017 में इंडियन एरोज को ज्वाइन किया था। 2018 में मुंबई सिटी एफसी के साथ खेले हुए हैं। मोहम्मेडन एफसी, दिल्ली एफसी ऐसे टॉप क्लब के साथ खेले हुए हैं और अभी ये इस सीज़न आईएसएल में एफसी गोवा के लिए खेल रहे हैं। अपनी इंडियन अंडर 17, अंडर 20 और अंडर 23 फुटबॉल टीम के लिए भी ये खेले हैं और 2022 में इन्होंने अपनी इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है। सो इंडिया में बहुत से टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स हैं और इनकी वजह से अपने इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है, बट प्लेयर्स के बारे में इतनी ज़्यादा बातें होती नहीं है। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ट्राई करूँगा सारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।